हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर वे। जैसे चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं यहाँ पे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है 19, बाकी मैंने क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब आया है, 2024 में आया है। क्या क्वेश्चन है, इफ 5 to the power x minus 1 plus 5 to the power x plus 1 equals to 130 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमारा वैल्यू पुट आएगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे x क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस का केस है तो मतलब ये किसका केस है, डिवाइड का केस है, और यहाँ प्लस का केस है दैट मीन्स मल्टीप्लाई का केस है। फिर से आप समझ लें, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5x और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर हम आपको इसको लिखने के लिए बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 to the power x minus 1, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 5x into 5 तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड था तो पावर क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो आप लिख सकते हैं 5x plus 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 का पावर x by 5 भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखें, या हम इस तरीके से लिखें या हम इस तरीके से लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें 5 का पावर x by यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, और प्लस, और ये किसका केस है, प्लस का है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 का पावर x into 5 equals to 130 डिग्री, इतना हमने काम कर दिया। ठीक है, इसको हमको लेके जाना है पूर्व जन्म में। ठीक है, पिछले जन्म में ये कैसा रहा होगा कि इस तरीके से ये बन गया, ये पिछले जन्म में कैसा रहा होगा कि ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये पिछले जन्म में कैसा रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे रहा होगा तभी ये इस तरीके से बना है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला कैसे रहा होगा, ये रहा होगा तभी इस तरीके से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको करना, ताकि हम यहाँ पे जो हमारा कॉमन है 5x है हम उसको यहाँ पे बाहर निकाल सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है। ठीक, अब हम इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 5x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर x। ठीक है, इसमें से इसको गायब कर दिया तो क्या बचा, 1 by 5 प्लस, इसमें से इसको गायब कर दिया तो क्या बचा, 1 into 5, या 5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे हो जाएगा equals to 130। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इन दोनों का फिर से एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो लिखा 5 का पावर x और यहाँ पे डिनोमिनेटर बना लिया 1, एलसीएम कितना हो गया 5, तो 5 का टेबल कितने में पड़ा, 5 आ गया 1 times, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया सेम वही रह जाएगा, प्लस 1 का टेबल कितने में पड़ेगा 5 आ जाएगा 5 times, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25 यहाँ पे होगा। ठीक है, equals to 130। अब 5 का पावर x into, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 26 by 5 equals to 130। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं, इस जगह से हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर x equals to, इसको हमको क्या करना होता है, उठा करके इधर लेके जाना होता है, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 130 into, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 by 26 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, किसको, इसको 2 से दोनों को कट करते हैं, 2 1 2 2 3 6, 2 6 12 और यहाँ पे 2 5 10। ठीक है, ये 1 बार में और ये 5 बार में, 13 1 13 13 5 65। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बचा मेरा, x = 5 × 5 क्या होता है, 25 मेरे यहाँ पे हुआ। ठीक है, अभी हमारा देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो हम यहाँ पे कैसे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक बेस सेम नहीं करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिलेगा नहीं। चलिए बेस सेम करते हैं, लिखा 5 का पावर x और यहाँ पे लिखा 5 का पावर, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, 5 into 5 हम यहाँ पे करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो लिखेंगे व्हेन द बेसिस आर सेम We equate powers। ठीक है, अब जब हमारा यहाँ पे बेस सेम होगा तो पावर को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो
हम इधर आगे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारा आ गया 2, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2, इसमें कुछ भी सॉल्व करने को नहीं था, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 निकल गया, तो नाउ x क्यूब का हमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या लिखेंगे, 2 का पावर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 8 मिलेगा, यानी हमारा क्या हुआ x क्यूब कितना निकला 8 निकला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया, 2022 में आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x + 4, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पे भी बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है और मल्टीप्लाई का केस है तो हम पावर को यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 5 + x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे लिखेंगे 2 और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी बेस सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + x + 3, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, इसका पावर क्या था 1 और दोनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 - 3 इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x + 4 - 2 5 + x, ठीक है। बाई इसको हम सॉल्व कर देते हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा, 1 और 3 कितना होता है 4 और माइनस और यहाँ पे 2 का पावर -3, ठीक है। इतना आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पे अलग से करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको हम इसे डिवाइड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे समझिए, एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने लिखा है 3 - 2/5 लिखा है, ठीक है। तो ये 5 जो है ये दोनों के साथ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पे 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/5। अगर ये ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इसी तरीके से कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको पहले मिटा देते हैं, तो हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे, लिखें देखिए लिखा 2 का पावर x + 4 / यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ 2x + 4, बीच में माइनस माइनस लगा दिया, फिर 2 का पावर 5 + x लिखा, बाई यहाँ पे क्या है फिर 2 का पावर x + 4 लिखा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे लिखना है -2 का पावर -, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे अलग करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस आप लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ डिवाइड का केस है तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा और बेस यहाँ पे सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 + x लिखा और यहाँ पे माइनस लगाया, इसको ब्रैकेट में रखा x + 4, ठीक है। बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं देते फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि इसका दोनों का, इसका और इसका दोनों का साइन चेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या बैठा है माइनस। अब यहाँ पे हम लिख देंगे -2 का पावर -3, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 + x - x - 4 -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और सेम वैल्यू है तो क्या हो जाता है कैंसिल, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और -2, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होल का पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको हम पावर किस में है, नेगेटिव में है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 - 2 - 1/2 × 2 × 2 × 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीनों का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 1 का टेबल कितना पड़ेंगे 8 आ जाएगा 8, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस, 1 का टेबल कितना पड़ेंगे 8 आ जाएगा 8, तो 8 2 जा हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है। तो
एट का टेबल कितना पड़ेगा, एट आ जाएगा वन टाइम्स वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा वन। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा एट और इन दोनों को प्लस कर देंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस सेवनटीन बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका एट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा माइनस नाइन बाई एट हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ और ये वीडियो भी मेरा खत्म हुआ यहाँ पे, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।